तो बाबा आपने अच्छा नहीं किया। हमने क्या बेटा कहा तो मैं गौरव को भाई हूँ, बाबा चटका दें। हेलो नमस्ते नमस्ते। और हाँ सब ठीक है। जो हम यहाँ से पहुँचा दिए हो तो हम आप लोग का भारी है। पहुंचने में और थोड़ा एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म मिल गया है आपको, तो ये कब प्लानिंग शुरू किया ये होटल का आपने? ये तो धीरे धीरे आप एक महीने से शुरू हुआ है। और इसका आपके ब्रांचेस भी खुलेंगे क्या नहीं जी? अभी तो यही चल रहा है, अभी आगे देख देखो क्या होता है। अभी तो अपना कर्म कर रहे हैं, फल तो भगवान देंगे। डेफिनेटली आप इतना यू नो काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली भगवान फल देंगे, तो हम भी वेट कर रहे हैं आपकी रसोई आपके होटल में खाने के लिए। तो दिल्ली से दिल्ली में भी आप हिंदुस्तान के हर जगह होटल खोलना चाहिए, ये हमारा जो है विश है आपके लिए। तो बहुत खुशी हुई आपसे बात करने में, कंग्रेचुलेशन ठीक जी। दो चार दस दिन पहले आपने ये भी मीडिया में कहा था, लोग दिखा रहे थे चैनल पे कि बाबा को फिर से धमकी आई है, बाइक पे आए थे। हाँ, क्या बोल रहे थे बाबा को सटका देंगे? ये धमकी में आई थी कि भाई तीन लड़के 9427 है वहाँ तीन लड़के बैठे थे, हम वहाँ से सुबह आ रहे थे 6:30-7 बीच में, कोई मार पर खड़ी नहीं थी, हम तो वहाँ चले अपने घर से चले 6:30-7 से। अच्छा तो वहाँ पर उन तीनों लड़के ने चाय पी रहे थे तो बोले बाबा जी राम राम, हम लोग बोले राम राम। फिर वहाँ से हम अपना करके चलते रहे अपनी दुकान पर आए, दुकान पर तीनों लड़के अपना आए तो वहाँ पर खड़े हुए हैं तो बोले बाबा चाय बना दोगे? हम लोग बेटा 5 मिनट बैठे तो चाय बना देते हैं। तो मैं अपना लॉक खोल रहा हूँ दुकान का तो ये कह रहा कि बाबा आपने अच्छा नहीं किया। हमने क्या बेटा कहा तो मैं गौरव को भाई हूँ, बाबा चटका दें। मैं उसी टाइम लॉक को बंद कर दिया पुरानी दुकान पे। हाँ लॉक बंद करके MCD ऑफिस है वहाँ गया, हमारा भाई है इसको चाबी देकर के हम घर गए चले गए। फिर वही लड़के शाम को 3 बजे करीब आए थे। बाबा को चटका दें, बाबा चटकने वाले ऐसे नहीं हैं। और बाबा ने मेहनत की है, काफ़ी दिनों से यहाँ पर हैं दिल्ली में, 1990 में शायद आए थे, 90 के दशक से हैं आप। ये है बाबा का नया रेस्टोरेंट, थोड़ा आपको दिखाते हैं कैमरे से। ये लाइटिंग वेटिंग की गई है नए युग के हिसाब से, आधुनिक युग के हिसाब से नए मॉडल पर बाबा ने यहाँ पर अपने ढाबे को सराहा है। यहाँ पर क्रिसमस का त्यौहार भी आ रहा है तो ये क्रिसमस ट्री भी रख दिया है बाबा ने, कैमरा भी लगा लिया है क्योंकि धमकी आ रही है चटकाने उटकाने की। और ये भी क्रिसमस है, इधर राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। और काफ़ी भक्ति प्रवृत्ति के इंसान है, धार्मिक हैं, आस्था से जुड़े हैं। अब नया रेस्टोरेंट इस आस्था के साथ इनको कहाँ और किस बुलंदियों पर लेके जाएगा ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। बाबा एक आखिरी और अंतिम सवाल, क्या ऐसा नहीं लगता है कि जो इंक्वायरी आपने करने के लिए बोला उससे आपको ही हानि हुई है? और अगर शायद उस वक्त आपको गौरव का सपोर्ट होता और आप इंक्वायरी नहीं करते, इंक्वायरी के लिए पुलिस के पास नहीं जाते, तो आज ये ढाबा और तेज से चल रहा होता, पहले जैसा माहौल होता? नहीं अभी तो खुला है, देखो भी खुला है जी। ये हम कर्म कर रहे हैं, ये तो फल तो ऊपर वाला देगा। मतलब कर्म करो, फल की इच्छा प्रभु के ऊपर छोड़ दो, जो भी लिखा है वही होगा, बस वही होगा। तो ये है बाबा के ढाबा के ऑनर कामता प्रसाद जी, इन्होंने नया ढाबा खोला है। आइए यहाँ पर इनके व्यंजन जो बनाते हैं उनका स्वाद लीजिए और आरोप प्रत्यारोप के दौर से अब बाहर निकलिए और बाबा को एक बार फिर से अपनी सर आँखों पर आप बिठाइए। क्यों बाबा? हाँ जी हाँ, हम तो चाहते हैं जनता जनार्दन जो रहे सदा खुशी रहे और गरीबों को हमेशा उठाती रहे। चलिए बाबा पहले एक ऐसा करते थे, सैंपल देते थे, कैसे करते थे बाबा एक बार फिर से करिए,
ऐसे करते थे बाबा, और वही बाबा का चेहरा है, लेकिन बाबा नहीं बदले हैं, लेकिन दुनिया ने इनको बदलने पे मजबूर कर दिया है, मतलब लोगों ने अपने वीडियो और लोगों ने मजबूर कर दिया। बाबा कहीं भागे नहीं है, कहीं गए नहीं है, आइए तो यही मिलेंगे आपको। और छोटा सा रेस्टोरेंट, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, यहाँ पर 10-15 लोग बैठ के एक साथ खाना खा सकते हैं। और आइए बाबा के ढाबे पर, बताइए और खाना खाइए। कुछ बोलना चाहते हैं? बस वही बोलना चाहते हैं कि हमारे जनता जनार्दन को मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ, सदा सुखी रहें, हमारे प्रेस वाले सदा सुखी रहें जो हमें यहाँ तक पहुँचाए हैं। प्रेस वाले सदा सुखी रहें, गौरव वासन भी सदा सुखी रहें, सब सब और उसमें तो गौरव वासन भी आ गए। हाँ, गौरव वासन भी सदा सुखी रहें। बाबा को फर्श से अर्श पे पहुँचाया, और आज बाबा उनको माफ़ भी करते हैं, कहते हैं आइए हमसे मिलिए, फिर से हम पुराने भाव से आपसे मिलेंगे। तो ये था बाबा के नए रेस्टोरेंट का एक शॉर्ट वीडियो, और बाबा जी हमारे साथ थे, कामता प्रसाद जी। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं था रवि भट्ट, और ये वीडियो आप दिल्ली से देख रहे थे। धन्यवाद।